हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे आकलन कार्य पत्रक 4 असेसमेंट वर्कशीट है आपकी कक्षा 6 के लिए, विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 1 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है? 10 क्वेश्चन है और टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो 20 मार्क्स रहेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। तो देखिए क्या दिया गया है। प्रश्न एक दिया गया है बच्चों, जोड़ो। तो आपको 3/5 और 2/4 को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका तो होता है कि हम हर को समान कर लें, ठीक है? और दूसरा तरीका क्या है कि हम इनका एलसीएम ले लें। तो हम इनका एलसीएम लेके इसको करेंगे, तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 20। अब आप 20 को 5 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 4 को बच्चों, 4 से 20 को भाग कीजिए, 4 5 20, और 5 को 2 से गुणा कीजिए, 5 दूनी कितना आ जाएगा, 5 दूनी आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10, तो कितना आ गया, 12 और 10 हो गया 22, 22/20 हो जाएगा। ये आ गया, 2 से काट देंगे 2 11, और ये आ जाएगा 2 से कटेगा 2 10, तो हमारा आंसर आ गया 11/10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको मिश्रित भिन्न में बदलना चाहते हो तो 11 को 10 से भाग कर दीजिए, 10 एकम 10, 1 बच गया, तो हमारा मिश्रित भिन्न में ये तो पूरा हो जाएगा। तो 1 and 1/10 जो है हमारा, ये मिश्रित भिन्न में आंसर आ जाएगा। तो यहां तक भी कर सकते हो और आगे इसको मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, घटाना है आपको। तो घटाने में आपको देखिए, फिर से अगर हर जो है आपके समान नहीं है, तो एक तरीका आप हर समान कर सकते हो, दूसरा तरीका आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो। एक तरीका मैंने आपको समझा दिया एलसीएम लेके, दूसरे तरीके से करते हैं कि हम हर समान कर लेते हैं। 21/6 को हम अगर 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें से 10/12 घटा दीजिए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 दूनी क्या आ जाएगा बच्चों, 42 आ जाएगा, और 6 दूनी 12, हमारा हर समान हो गया। अब हम बहुत ही आसान तरीके से जैसे नॉर्मल घटाते हैं वैसे घटा देंगे, 42 में से 10 गए कितना आ गया, 32 आ गया, 32/12, ठीक है, 32/12 आ गया आपका आंसर। इसको और आगे काट सकते हो, 2 से काटोगे 2 16, 2 से काटोगे तो 2 6 12 हो जाएगा, 2 8 16 और 2 3 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8/3 आंसर जो है आपका यहाँ से आ गया। इस तरह से करके मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हो। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न 3 है, ज्यामिति बॉक्स में त्रिभुज के आकार में उपकरण का नाम दें। तो त्रिभुज के आकार में कौन सा उपकरण है, सेट स्क्वायर, उसको बोलते हैं सेट स्क्वायर, ठीक है? तो वो जो है क्या है, त्रिभुज के आकार का है, सेट स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये जो है आप इसमें लिख लेंगे। प्रश्न 4 है, एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। उसके बाद वृत्त की सबसे लंबी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे लंबी जीवा कौन सी होती है, जीवा होती है जो वृत्त के 2 पॉइंटों को मिलाए, और सबसे लंबी जीवा होती है इसका जो है क्या हो जाएगा, सबसे लंबी जीवा यहाँ पे होगी इसका व्यास, ठीक है ना, जो बिल्कुल सेंटर से जाती है वो इसकी क्या होगी, सबसे लंबी जीवा हो जाएगी। तो वो क्या होगी, 9 ये और 9 ये हो जाएगी, तो 2 बार 9 हो जाएगी, तो हम कर देंगे 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। या तो आप 9 को 2 से गुणा कर दीजिए या 9 में 9 जोड़ दीजिए, बात एक ही है, ठीक है? तो 18 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न 5 है। अब इसमें आपको मिश्रित भिन्न दी गई है, तो अब आपको इसको करना है। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो मिश्रित भिन्न दी गई है ना बच्चों, उसको बदल लेंगे। तो इसको कैसे बदलेंगे, 5 को 5 से गुणा कीजिए, 5 5 25, 25 और 4 कितना हो गया बच्चों, 29, 29/5 में आपको आप 6 3 18 और 2 19 20, 20/3 ये जो है जोड़ लेना है। हमने मिश्रित भिन्न को इस तरह से बदल लिया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 3 15 हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। आप 5 से 3 इसको 15 को भाग कीजिए, 5 3 15, और 29 को जो है क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 87। आप 3 5 15, 20 5 100, तो ये आ गया आंसर, आ गया 187/5, 187/15, ठीक है? तो इसको जब आप जो है इसको इस तरह से मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 7/15, तो ये जो है आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब ये तो आप कर सकते हो ना बेटा, 187 को 15 से भाग करेंगे तो ऐसे आंसर आएगा।
अब देखिए प्रश्न छह है, 728 और एक 29, ऐसे ही बदल लीजिए, 29/4, 4 2 8 और एक 9, ठीक है। तो ये घटाना है आपकी बार, तो बस बहुत सिंपल तरीके से आपको इसको घटा लेना है, क्लियर। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम हर जो है वो समान कर लेते हैं, जैसे हमने ऊपर किया था 29/4 और -9/2 को हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 29/4, ठीक है, 9 2 18/4। बहुत तरीके से, आसान से तरीके से इसको घटा लेंगे, तो ये हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, 11 आ गया, ठीक है, 11/4 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। चाहो तो मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हो। अब करेंगे हम प्रश्न सात। प्रश्न सात जो है बच्चों, देखिए क्या दिया गया है, निम्न आकृति ओ वाला, ओ जो है केंद्र वाला एक वृत्त और उसमें खींचे गए कुछ रेखाखंडों को दर्शाती है, रेखाखंडों की त्रिज्या जीवा और व्यास के रूप में वर्गीकृत करें। अब इसमें देखो बच्चों, जीवा क्या होती है, सबसे पहले त्रिज्या क्या है, त्रिज्या होती है सेंटर पॉइंट से कोई भी लाइन जो होती है, जो केंद्र की परिधि को टच कर, केंद्र के जो आउटर होता है उसको टच करती है, वो क्या कहलाती है, त्रिज्या। अब यहाँ पे ये सारी क्या है, ई ओ ओ एफ ओ ए ओ आर ओ बी, ये सारी क्या है, ये सारी त्रिज्या है। जीवा क्या होती है, जो वृत्त के दो बिंदुओं को कहीं पे भी टच करे, जैसे पी क्यू है, एम एन है, ये सारी जीवा है। और व्यास क्या होता है, व्यास जो है एक सबसे लंबी जीवा होती है, जो बिल्कुल सेंटर से लाइन जाएगी ना, वो जो है उस वृत्त का व्यास होगा। तो अब यहाँ पे बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिज्या, तो यहाँ पे मैं इसका आंसर कर रही हूँ, आंसर 7, यहाँ पे हमें ना आंसर 8 कर लेंगे, हैं, ठीक है। तो देखिए आंसर 7 हम कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बच्चों त्रिज्या। त्रिज्या जो है यहाँ पे कौन कौन सी है, त्रिज्या की अगर हम बात करें तो ओ ई त्रिज्या है, ओ एफ त्रिज्या है, ओ ए त्रिज्या है, ओ आर है, ओ बी है, ये सारी क्या है बच्चों, ये सारी की सारी हमारी त्रिज्या है। उसके बाद देखिए हम करते हैं, त्रिज्या के बाद हमें बतानी है जीवा, तो जीवा कौन कौन सी हो जाएंगी, पी क्यू जीवा है, एम एन जीवा है, ठीक है, और उसके बाद ई जो एफ है वो भी क्या है, जीवा है। ये तीन हमारी क्या है बच्चों, जीवा है। उसके बाद बात करें हम व्यास की, तो व्यास तो अब आप देख के ही बता सकते हो, ई एफ जो रेखा खंड है यहाँ पे, ये क्या है हमारा, ये जो है हमारा व्यास है ई एफ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। वैभव और प्रिया ने पनीर सैंडविच बनाया, वे पकवान को स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाना चाहते थे, इसलिए वैभव ने 1/2 किलो प्याज, प्रिया ने जो है 1/4 किलो शिमला मिर्च और 1/4 किलो टमाटर काटा, उन्होंने कुल कितनी सामग्री काटी, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। सो देखिए बच्चों, यहाँ से करेंगे आंसर 8 हम करेंगे। वैभव ने प्याज काटा कितना, 1/2 किलो। प्रिया ने शिमला मिर्च काटी कितनी बच्चों, 1/4 किलो। प्रिया ने टमाटर काटा 1/4 किलो। कुल सामग्री कितनी काटी, यानी हम कुल सामग्री निकालेंगे तो इसको हम जोड़ देंगे, ये हमने जोड़ दिया। अब 1/2 को भी हम इसका हर जो है समान कर लेते हैं, 1/2 गुणा में 2 से भाग कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, 1/4 1/4। अब ये क्या आ गया, 2/4 प्लस में 1/4 प्लस में 1/4, तो जोड़ दीजिए 2 3 और 1 4/4, 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 1 किलो। यानी कुल जो सामान था बच्चों, टोटल जो सामग्री काटी गई वो कितनी है, 1 किलो जो है कुल सामग्री रहेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है प्यारे बच्चों। रिबन का एक टुकड़ा है 12/15 मीटर लंबा है और इसमें से 4/15 मीटर का एक टुकड़ा काटा जाता है, शेष रिबन का अंश क्या होगा। तो जहां पे शेष वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब वहां पे घटाना होता है। तो टोटल रिबन का एक टुकड़ा कितना है, यहाँ पे हम इसका आंसर कर रहे हैं, प्रश्न 9 का यहीं पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 12/15 है, ठीक है, और इसमें से कितना काट लिया, 4/15, तो इसमें से घटा देंगे। अब हमारे हर समान है तो बहुत आसानी से घट जाएगा, ठीक है। तो 8 और 4 कितने होते हैं, 12, तो 12 में से 4 गए 8, 8/15 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रिबन हमारा क्या है, शेष रिबन है जो बचा है, ठीक है, बहुत आसान था। अब देखिए प्रश्न 10 आपको दिया गया है प्यारे बच्चों। एक ही केंद्र से पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, दूसरा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का और तीसरा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 वृत्त खींचने हैं, एक ही केंद्र रखना है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस बहुत आसान है। ये एक ही केंद्र हमने ले लिया
अपने जो है प्रकार खोलिए 3 सेंटीमीटर माप कर, स्केल लेके 3 सेंटीमीटर प्रकार जो है वो अपना खोल लीजिए और ऐसे एक सुंदर सा गोला जो है इस बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अब आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल लीजिए और एक सुंदर सा गोला अब इसके बाहर की तरफ बना दीजिए। आपका केंद्र जो है यही रहना चाहिए। अब 5 खोल लीजिए प्रकार को, ठीक है, स्केल से माप के, और एक तीसरा गोला जो है यहाँ पे ऐसे बना दीजिए। तो ये 3 गोले जो है आपको ऐसे बना देने हैं। तो ये जो गोला रहेगा ये 3 सेंटीमीटर का जो है, इसका क्या रहेगा, इसकी त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर रहेगी। ये वाली त्रिज्या कितनी रहेगी, 3 रहेगी। उसके बाद ये वाली जो है कितनी रहेगी बच्चों, ये वाली आपकी 4 रहेगी, और ये वाली दिखाओगे तो ये वाली आपकी 5 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको 3 गोले बना देने हैं। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।